हेलो एंड वेलकम टू इस पी एम आई एस अकाडी टू डे वेल अनालाइज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स ऑफ ट्वेल्थ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्लीज नोट टू कैन डाउन द पी डी एफ फर्जर ऑफ टूडेज न्यूज़ पेपर अनालिसिस बाई क्लेक्न द लिंक गिवन इन द कॉमेंट सेक्शन दिस इज द लिस्ट ऑफ़ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टूडेज न्यूज़ पेपर अच्छा बिफोर आई टेक टॉपिक्स ऑफ टुडे आप सबको तो पता ही है कि प्रलिम्स का रिजल्ट आ गया है और मेन्स की तैयारी करनी है अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मेन्स का डेट जो है उन्होंने जून दे दिया है सारी प्लानिंग हमारी इस तरह से चल रही थी कि अगस्त या सितंबर में, में मेंस होगा क्योंकि पहले उन्होंने कैलेंडर में तो वही लिख करके दिया था तो अब जिनका प्रिलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो काफ़ी निराश हो गए हैं लेकिन आप सोचिए कि अगर इतना जल्दी वो मेंस करा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन लाने की प्लानिंग कर रहे होंगे ये कारण हो सकता है तो निराश मत होइए अगले बार की तैयारी में लग जाइए ईमानदारी से अगर अगले बार एग्जाम देना है तो निराश होने के बजाय अगले बार की तैयारी कीजिए जिनका फिल्मस में सिलेक्शन हो गया है उनकी तो हालत और भी ख़राब हो गई है कि जून में ही मेंस होगा हार्डली वन एंड हाफ मंथ्स लिफ्ट तो अब देखिए जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहिए मेरी बात मानिए बस तो बस इतनी बात मेरी मानिए आप जो दो आंसर डेली लिखने का हमने सिस्टम शुरू किया है न्यूज़ पेपर एनालिसिस के थ्रू ये करते रहिए रोज़ दो आंसर लिखना है अब मैं हिंट्स दूँगा स्टैंडर्ड आंसर दूंगा और बहुत ही जल्दी इवेलुएसन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने चिन्मो सर और मृदुल सर ने एक वीडियो बनाया था इवेलुएसन प्रोसेस को लेकर के तो उसके लिए एक सेपरेट ऐप बन चुका है हमारा और बिहू से पहले स्टार्ट करना था इनफैक्ट कल के दिन से ही तेरह चौदह तारीख से स्टार्ट करना था लेकिन इतनी अभी हर मच गई है रिजल्ट के बाद हम एक दो दिन और लेंगे मुद्दा यह है कि दो आंसर्स रोज़ लिखने हैं उसको फिर आप जो हमने नया डेवलप कराया उस पर इवेलुएट कराना है हमारे इवेलुएटर से ये करते रहिए इसमें कोई खर्चा तो है नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अलावा मेन्स फॉर्डर कंटेंट जो मैंने बनाना शुरू किया है वो धीरे धीरे आप रोज बेसिस पे आप उसको कलेक्ट करके अलग अलग सब सेगमेंट वाइज उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए मग अप करना शुरू कीजिए जी एस पेपर टू गवर्नेंस के लिए ये आई के लिए ये फैक्ट और हर मंडे एक ऐसे तो हम लोग कर ही रहे हैं एवरी वीक इतना काम आप बस करते रहिए बाकी जो कर रहे हैं साइड बाय साइड अपना प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज़ वो सब कीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे तरफ से मानिए एक मेरी सजेशन मान लीजिए एज मेंटर एज ए टीचर पैनिक होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है तो जो जून का वक्त है वो सबके लिए है आपके लिए भी है सब के लिए भी और पैनिक करके कोई फ़ायदा तो है नहीं तो जो अपने हाथ में वो अभी से करना है ये काम आप कर लीजिए मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपका मेंस काफ़ी अच्छा होगा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे बस ट्रस्ट द प्रोसेस ठीक है चलिए पहला टॉपिक लेते हैं हाउ बायोडाइवर्सिटी लॉस जियो ह्यूमन हेल्थ ये आर्टिकल मैं बस इसीलिए ले रहा हूँ ताकि इन्वायरमेंट में कभी कोई सवाल आ जाए तो आपको कुछ डेटा मिल जाए अपने आर्ग्यूमेंट को कोट करने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जी एस पेपर थ्री इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो ये आर्टिकल कहता है कि एनिमल्स प्लांट या फंजाई दे आर ट्रेजर ट्रोब ऑफ केमिकल्स वो खजाना है ऐसे केमिकल्स का जो हमारी कई सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं जैसे मलेरिया से लेकर के कैंसर तक लेकिन हम इंसान अपने ग्रीड के चक्कर में इन हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं एंड दैट इज़ हाउ वी आर ऑल्सो लूजिंग द होप ऑफ सच मेडिसिन ऑल्सो और यहाँ पर फिर एग्जाम्पल्स हैं कुछ इन एग्जाम्पल्स को रख लिया तो काम आ जाएगा इन्वायरमेंट का मेडिसिनल वैल्यू क्या है उसको लेकर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉइजन डार्ट फ्रॉक्स उनसे एनेस्थेटिक्स बनते हैं पैकलिकटैक्सकल रखना पड़ेगा पैकलीटैक्सल इज अ ड्रग यूज टू ट्रीट कैंसर इट इज़ डिराइव फ्राम द बार्क ऑफ पैसेफिक यू ट्री जिंकोनोटाइड इट इज़ यूज टू ट्रीट सीवियर पेन इट कम्स फ्राम कोन स्नेल्स एंड सेवेंटी परसेंट ऑफ कैंसर मेडिकेशंस आर बेस्ड ऑन नेचर एज़ पर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडावर्सिटी एंड इको सिस्टम आई पी बी ई एस विच इज़ ए यू एन प्लेटफॉर्म तो ये सब डेटा काफ़ी हेल्पफुल है आई पी बी ई एस इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडावर्सिटी एंड ईको सिस्टम का 2019 का रिपोर्ट कहता है कि अराउंड वन मिलियन एनिमल्स एंड प्लान स्पीसीज हैव टू एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनडिसक्रिमिनेट अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन उसके अलावा एक और रिपोर्ट है लिविंग प्लानट रिपोर्ट दैट इज़ रिलीज बाई वर्ल्ड वाइड नेचर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ नेचर लिविंग प्लानट रिपोर्ट उसके हिसाब से 69 परसेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हेज़ डिक्लाइंड 69 परसेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हेज़ डिक्लाइंड इन लास्ट फिफ्टी ईयर्स तो ये सब डेटा कोट करके हमें आर्ग्यूमेंट देना है कि कैसे हम इंसान हमारे लिए पॉसिबल मेडिसिन हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं बाई डिक्लाइनिंग और लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ दीज स्पीसीज बिकॉज ऑफ इनडिसक्रिमिनेट एक्सपेंसन और अर्बनाइजेशन एक और केस स्टडी आप कोट कर सकते हैं आपको आंसर राइटिंग में ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग सिखाएंगे कि जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो बगल में एक बॉक्स बना करके कोई केस स्टडी लिख सकते हैं तो केस स्टडी टू प्रूव इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी में स्पीस जितने भी हमारे आसपास की लिविंग एंटिटीज़ हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है आसपास की जो भी बायो मतलब लिविंग डाइवर्सिटी मतलब वेरियस इंटिटीज़ तो वेरियस लिविंग इंटिटीज जो हमारे आसपास में है पेड़ पौधे फ्लोरा एंड एंडफोना उन सब का हमारे जीवन पे इम्पोर्टेंस होता है उसको साबित करने के लिए आप एक केस स्टडी कोट कर सकते हैं कि डाइक्लोफेनाक नाम का एक पेन किलर इस्तेमाल किया जाता रहा था कैटल्स के लिए अभी कैटल्स के अंदर ये डाइक्लोफेनाक नाम का केमिकल पहुंच जाता था उनके अंदर पेन किलर के लिए इस्तेमाल किया जाता था इनमें से जो कैटल्स मर जाते थे उनके कैरकासेस को ये वल्चर्स खाते थे वल्चर्स हैव एन नोन एज स्कैवेंजर एंड डी कम्पोजर्स एस्केवेंजर्स मेनली तो वल्चर्स इनके कार्कासेस को खाते थे बट ये जो डाइक्लोफेनैक है जो इन कैटल्स के बॉडी में होता था एज पेन किलर वो फिर इन कारकासेज या डेड बॉडीज ऑफ कैटल्स के थ्रू इन वल्चर्स के अंदर पहुंच जाता था और ये डाइक्लोफेनक इन वल्चर्स के किडनी फेलियर के पीछे रेस्पॉन्सिबल हो रहा था एंड दैट लीड टू मास डेथ ऑफ वल्चर्स वल्चर्स की पॉपुलेशन लगभग 80 टू 90 परसेंट तक कम हो गई थी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स तो मास डेथ ऑफ वल्चर्स के कारण होने क्या लगा कि जो भी इस तरह के डेड बॉडीज थे एनिमल्स के कारकासेस उनको डिकम्पोज करने के लिए ब्रेक डाउन करने के लिए वल्चर्स तो थे नहीं तो नाउ दे वेयर ईट एंड बाई These such kind of dogs, and because of such activities, these dogs were turning feral. At the same time, some of such carcasses would get decomposed or mixed up with the local water bodies, causing water pollution. Some of the such carcasses were eaten by dogs because of vultures were dead, and that dogs were turning feral, and that is how these feral dogs were biting human beings, causing to. Uh, increase in the number of rabies cases so you see how indirectly a diclofenac thing that leading to uh, uh, death of vultures that ultimately leading to water pollution and increase in number of rabies cases in humans so this is how you can prove ki every living entity which is in our surrounding which is part of biodiversity is important for us though we may not realize its importance directly for example in this particular case we might not realize the importance of vultures yet they play an important role in our life and that is how we need to protect the biodiversity around us and then you can give many examples also these biodiversities are directly helpful in uh, curbing many uh, diseases right from malaria to cancer prevalent amongst humans the next article is about great nicobar island project सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंटेंटेंट फॉर मार सिलेबस जीएस पेपर थ्री इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वंस अगेन तो देखिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं आपको बताया था मैंने अक्टूबर 2022 यानी कि पिछले साल के अक्टूबर की, की खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लगभग एक सेवेंटी करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव किया था डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड ये जो प्रोजेक्ट था इसका नाम रखा गया था ग्रेट निकोबार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पावर प्लांट टाउनशिप ये सब डेवलप किए जा रहे हैं ग्रेट निकोबार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट ओवरऑल 30 साल में कंप्लीट होगा लेकिन 30 साल में ये ग्रेट निकोबार को काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड सेंटर की तरह बनाया या डेवलप कर सकता है तो ओवर पीरियड टाइम ग्रेट निकोबार कुड बी सीन एज वन अर्बनाइज सेंटर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ग्रेट निकोबार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इसके कई सारे स्ट्रेटेजिक फ़ायदे भी हैं इकोनॉमिक फ़ायदे तो होंगे ही राइट right? लेकिन ये जो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रही है हमारी सरकार इसके स्ट्रेटेजिक फ़ायदे भी होंगे देखिए स्ट्रेटेजिक फ़ायदा क्या होगा तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिस ओपन्स इनटू इंडियन ओशन एट सम दिस प्लेस एंड इट इज़ इन विसिनिटी ऑफ दिस निकोबार आइलैंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का इट इज़ इन विसिनिटी ऑफ दिस निकोबार आइलैंड अब निकोबार आइलैंड में अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का भी प्रेजेंस बढ़ेगा वैसे भी अंडमान निकोबार आइलैंड में इंडिया इज़ प्लानिंग टू डेवलप ट्राई लेटरल कमांड ट्राई लेटरल कमांड का मतलब है कि इंडिया इज़ हैविंग कमांड सेंटर फॉर नेवी आर्मी एंड एयर फोर्स तो इंडिया इज़ हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन दिस रीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के कारण इंडिया का प्रेजेंस इस दिस रीजन में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा एंड दिस इज हाउ इंडिया कैन डेवलप दिस रीजन एज ए चोक पॉइंट फॉर चाइना रिगार्डिंग एक्सेस टू इंडियन ओसन वाया स्ट्रेट ऑफ मलक्का वैसे तो चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की मदद से इंडियन ओसन में दूसरे भी एक्सेस के तरीके निकाल लिए हैं येट द मेजर ट्रेड रूट फॉर चाइना इन इंडियन ओसन और मेजर ट्रेड रूट फॉर चाइना टू कनेक्ट टू वेस्ट एशिया स्टिल डे थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड इंडिया स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजिशन हीयर इन निकोबार आईलैंड कैन यूज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन आयरन करटन to curb china's access via strait of malacca into indian ocean and that is how this project is having a strategic significance also geostrategic significance in the format of critical shipping choke point and countering china's presence in indian ocean so that is how it is strengthening malaccan dilemma of china malaccan dilemma of china is where china fears मलक्कन डायलम ऑफ चाइना इज़ अ फिनोमिना इन इंटरनेशनल रिलेशन वेयर चाइना हैज़ अक्नोलेज दैट इट हैज़ वन एप्रीहेंशन दैट इंडिया में कट डाउन चाइनाज एक्सेस इन इंडियन ओसन वाया दे आर पोजिशनिंग इन द इंडियन ओसन स्पेशली अलॉन्ग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड यूजिंग अंडमान निकोबार आइलैंड हैज एन आयरन करटे दैट इज मलक्कन डायलम ऑफ चाइना तो ये सब तो जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हैं इस प्रोजेक्ट के इसका कुछ इस प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक बेनिफिट भी है ऑफ कोर्स सो वंस दिस प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड निकोबार आइलैंड कैन बी यूज एज पोर्ट ऑफ कॉल पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है कि कोई भी सिप आ रहा है कंटेनर से आ रहा है दूसरे जगह से उसको यहाँ एक बार के लिए बर्थ करना है या रिफ्यूल की फैसिलिटी इस्तेमाल करनी है तो वो कर सकता है फिर वो आगे बढ़ेगा क्योंकि हो सकता है फ्यूल ख़त्म हो जाए तो इस तरह के जो ट्रांजीसेंट ट्रांजियंट या इंटरमीडिएट पोर्ट होते हैं उनको कहा जाता है पोर्ट ऑफ कॉल पोर्ट ऑफ कॉल मीन्स एन इंटरमीडिएट स्टॉप फॉर ए सिप इन इट्स शेड्यूल्ड जर्नी फॉर कार्गो ऑपरेशन तो इस तरीके से हम लोग अगर निकोबार आईलैंड को डेवलप कर लेंगे तो इट में एक्ट एज अ पोर्ट ऑफ कॉल दैट में हेल्प इन इंडिया हैविंग एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डेटा आया है कि दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट में हेल्प इन क्रिएशन ऑफ अबाउट वन लाख न्यू डायरेक्ट जॉब्स एंड वन पॉइंट फाइव लाख इनडायरेक्ट जॉब्स लेकिन ये सारे बेनिफिट्स जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट या इकोनॉमिक एक, बेनिफिट्स को ऑफसेट करने के लिए कुछ चैलेंजेज हैं इन द इकोलॉजिकल फॉर्मेट इकोलॉजिकल फॉर्मेट में सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड इज़ अ बायोस्फेयर रिजर्व अंडर यूनेस्को मैन बायोसफेयर प्रोग्राम तो हो सकता है कि इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के कारण कई सारे इकोलॉजिकल डैमेजेज हों फॉर एग्जाम्पल निकोबार आइलैंड में ही है गलाथिया बे एंड गलाथिया बे इज़ एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन विच इज़ होम टू रेयर फोनाज लाइक लेदर बैग सी टर्टल सॉल्ट वाटर क्रोकड आइल एंड निकोबार मकाक्स तो अगर नि निकोबार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा तो गलाथिया बे के इको सिस्टम पर नुकसान पहुंच सकता है जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है और फिर ये जो रेयर स्पीसीज हैं इनके पॉपुलेशन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंच सकता है दिस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कैन थ्रेटेन मरीन इको सिस्टम ऑल्सो लाइक कोरल रीफ्स एंड ऑल इट कैन इम्पैक्ट लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट और पोर्टिनेंट इन दिस केस इज़ द सोम्पेन ट्राइब हु मे गेट डिसप्लेसड ड्यू टू

कन्फ्लिक्ट में आ ही जाते हैं ऑलमोस्ट इन एवरी केस दे कम इन टू कन्फ्लिक्ट एंड इन सच केसेज वी कैन नॉट सेक्रीफाइस आई दर इकोलॉजी को सेक्रीफाइस करके सिर्फ इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं दे सकते या टारगेट नहीं कर सकते एंड अदरवाइज भी हम नहीं कर सकते दैट इज हाउ वी हैव टू लुक फॉर सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच या मिडिल पाथ इस केस में मिडिल पाथ हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गो अलॉन्ग विद दिस निकोबार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बट आफ्टर टेकिंग अप्रोप्रिएट मिटिगेशन प्रोसीजर्स और अप्रोचेज लाइक ट्रांसलोकेशन ऑफ दिज कोरल रीव्स फ्रॉम निकोबार आइलैंड टू गल्फ़ ऑफ कच्छ और गल्फ़ ऑफ मन्नार यहाँ से आ, जो कोरल रीव्स हैं उसको गल्फ़ ऑफ मन्नार या गल्फ़ ऑफ कच्छ में ट्रांसलोकेट कर दिया जाए जो पॉसिबल है उसके अलावा जो इंडिजीनस ट्राइब्स हैं खासकर सोमपेन्स ट्राइब उनके रीसेटलमेंट सेटलमेंट रिहेबिलिटेशन के बारे में भी प्लान किया जाना चाहिए करंट न्यूज क्या है ये सारा चीज़ तो 2022 के अक्टूबर का है कि सत्तर हज़ार बहत्तर हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट करंट न्यूज़ ये है कि इन्वायरमेंटलिस्ट कई सारे लिस्ट या इन्वायरमेंट सेंसिटिव लोग ने ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है इसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया एन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में और फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल फिलहाल में इस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लगा दिया है एन से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो यहीं देख लेते हैं क्या पता मेंस में आ जाए एन जी टी ज ट्रिब्यूनल क्रिएटेड अंडर एन एक्ट ऑफ टू तो इट हैज़ बिन क्रिएटेड फॉर एक्सपीडीसीियस डिस्पोजल ऑफ केसेज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इंडिया हैज़ बिकम थर्ड कंट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टू हैव एन

प्रॉब्लम्स इसमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है ये 10 डिग्री चैनल आप देख रहे हैं 10 डिग्री वाटर चैनल इट इज़ सेपरेटिंग अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विद निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इसी से रिलेटेड ये सवाल है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन इस टॉपिक के बेसिस पे यह मेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आज का दिया है द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड हैज़ इट्स ओन स्ट्रैटिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया बट इट कम्स विथ एक लॉजिकल कंसर्न आज मैंने पूरा आंसर लिख करके नहीं दिया है इतना टाइम नहीं मिला आज रिजल्ट आया है कई सारे स्टूडेंट्स से मिलना हुआ बातें हुई तो पूरा आंसर लिख करके नहीं दिया है हिट्स लिख कर के दिया है आप पढ़ सकते हैं वही बातें हैं जो हमने अभी डिस्कसन में देखा है ये हिंट्स के बेसिस पे देखिए अच्छा हो कि आप बिना हिंट्स देखे आंसर लिखें दैट इज़ द बेस्ट लेकिन अगर हिट्स देख करके भी लिखने की जरूरत पड़ रही है तो हिट्स देखिए और उसके बाद हिंडस को बंद कर दीजिए और फिर अपने हिसाब से लिखिए लेकिन लिखिए जरूर रोज लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दस दिन आप मेरी बात मान करके जैसे तैसे भी लिख देंगे तो यू विल ब्रेक द राइटर्स ब्लॉक जिसको कहते हैं एक इनर फियर या ब्लॉकेज रहता है डर रहता है वो टूट जाएगा और फिर आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर्म आर सिलेबस जी एस पे पथरी इंडियन इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू तो स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स देखिए जिस तरीके से भारत सरकार लोन लेती है बाय रिलीजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो तरीके का होता है ट्रेजरी बिल फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड डेटेड सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग वैसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को बो करना होता है तो दे कैन रिलीज स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स बट दे आर ओनली फॉर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को बोरो करने का ऐसा कोई उनके पास प्रोविजन है नहीं तो बेसिकली दिस स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स रीज बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर बोरोइंग एंड मीटिंग देअर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज अ काइंड ऑफ डेटेड सिक्योरिटी मीटिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स एंड द पर्पज इज टू मीट बजटरी नीड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द इंटरेस्ट और ईल्ड ऑफ द स्टेट डेवलपमेंटल लोन सिक्योरिटी इज़ स्लाइटली हाइयर दैन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी नेचुरल सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा ट्रस्ट लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो नेचुरल सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट डेवलपमेंटल बॉन्ड्स हैं उसमें जब ट्रस्ट कम है तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा दैट इज़ हाउ ईल्स आर मोर इन स्टेट डेवलपमेंटल बॉन्ड्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी तो डेटेड सिक्योरिटी मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया इट इज़ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स रिलीज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटी इज नॉन ए स्टेट डेवलपमेंटल लोन यूज टू तो और, और रिलीज बाई द गवर्नमेंट्स इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर फिजिकल डेफिसिट तो स्टेट तो डेवलपमेंटल लोन्स कैसे एडमिनिस्टर होते हैं तो देखिए जिस तरीके से भारत सरकार के लिए आर काम करती है वैसे ही आर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी काम करती है आर बी आई मैनेजेज स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स

So sometimes you can use this argument against the idea of fiscal federalism when you are writing an answer. This provision, particularly, could be severely or, or, or स्लाइटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म की स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से बिफोर लीजिंग स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज रन दिस क्वेश्चन यू कैन सब इट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन दिस आर्टिकल इज अबाउट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा आर्टिकल है कुछ डेटा है लेकिन काफी अच्छा आर्टिकल है मेन्स पर्स्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट फ्रॉम जी पेपर थ्री इंडियन इकॉनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जी पेपर फाइव एसामिस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए साल दो में जब आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उसके अंतर्गत तो कई सारे इनिशिएटिव सीरीज ऑफ इनिशियेटिवस अनाउंस किए गए थे तो 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 टोटल तो आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज बीस लाख करोड़ का था उसमें से एक स्कीम था एक लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विल इंप्लीमेंट दिस स्कीम एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम फॉर अबाउट 12 ईयर्स फ्रॉम 2020 ट्वेंटी टू ट्वेंटी अब समझिए इसकी ज़रूरत क्यों है बाकी सब तो जो लिखा हुआ तो मैं सन पढ़ा ही दूंगा हमारे यहाँ होता क्या है कि गाँव में जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है तो हार्वेस्ट के बाद प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण दो से तीन चीज़ें होती हैं लगभग 30 से 40 परसेंट क्रॉप वेस्ट हो जाता है क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज या कोल्ड स्टोर की फैसिलिटी नहीं है तो क्रॉप वेस्ट हो जाता है एक प्रॉब्लम ये है और जिस देश में हंगर का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक इतनी ख़राब है वहाँ पे 30 से 40 परसेंट क्रॉप बर्बाद होना कितनी बुरी बात है आप सोचिए और दूसरा क्या होता है कि फार्मर्स के पास चूँकि स्टोरेज की अच्छी फैसिलिटी नहीं होती है तो वो मिडिल मैन या इंटरमीडियरीज़ को मिडिल मैन के मुँह मांगे दाम पर सस्ते दामों पर बेच देते हैं अपना क्रॉप क्योंकि उनके पास स्टोर करने की तो फैसिलिटी है नहीं तो फार्मर्स आर ऑलवेज अंडर सम सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी टू सेल देयर क्रॉप एंड दैट इज़ हाउ दे सेल देयर क्रॉप एज़ पर द प्राइस गिवन बाय द मिडिल मैन और इंटरमीडिएट एंड दैट इज हाउ फार्मर्स डो नॉट गेट द राइट प्राइस फॉर देयर क्रॉप तो अब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि रूरल एरियाज़ में वहाँ के अंटरप्रेनर्स लोकल एंटरप्रेनर्स को इंकरेज किया जाएगा कि आप लोन लें बैंक से जिसका इंटरेस्ट सरकार भरेगी तीन परसेंट तक इंटरेस्ट सबवेंशन होगा कुछ अब कैपिटल सब्सिडी भी होगा इंटरेस्ट सबवेंशन होगा यानी कि जितना नॉर्मल अमाउंट में आपको लोन मिलता है उससे तीन परसेंट कम आपको इंटरेस्ट चुकाना होगा आप लोन लें रूरल एरिया में वहाँ पे आप कोल्ड स्टोरेज या बाकी हार्वेस्ट स्टोरेज वेयर हाउस की फैसिलिटी बनाएँ इससे एग्रीकल्चर रिलेटेड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जिससे फार्मर्स वहाँ पर अपने क्रॉप्स को स्टोर कर पाएँ और जिससे दोनों ही प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँ क्रॉप्स की पेरिसबिलिटी के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और फार्मर्स की एक्सेसिव अर्जेंसी जिस कारण से इंटरमीडियरीज फ़ायदा उठा लेते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाए तो माना जा रहा है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम से लगभग पंद्रह परसेंट का जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है उसको कम किया जा सकता है इंटरमीडियरीज पे जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है उसको कम करने से फार्मर्स की इनकम जो है 30 से 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आने के बाद जो ओवरऑल वेस्टेज है वो घट करके पाँच परसेंट से भी नीचे आ जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजन है तीन परसेंट तक का इंटरेस्ट सवेंसन यानी कि जो भी लोन लेंगे उसमें तीन परसेंट आपको कम इंटरेस्ट चुकाना है क्रेडिट गारंटी अप टू रुपीज टू करोड़ दो करोड़ तक का आप जब लोन लेने जाएंगे उसमें आपको अपने तरफ से कोई गारंटी नहीं देनी है सरकार गारंटी देगी अगर आपको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर Uh, के लिए कुछ खोलना है एग्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खोलना है तो कैपिटल सब्सिडी भी आपको मिलेगा एक बार में कुछ सब्सिडी भी मिलेगा आसाम के लिए दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि आसाम इज स्टिल हैविली एन एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी और आसाम के अंदर राइस मिल्स को या मस्टर्ड ऑयल मिल को मॉडर्नाइज करने के लिए वेयर हाउसेज कोल्ड चेन्स ये सब को बनाने की जरूरत है एंड दिस इज हाउ आसाम एग्रीकल्चर कैन बी मॉडर्नाइज एंड दैट इज़ माई इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आसाम आसाम सरकार ने एक ए आई एफ सेल क्रिएट किया है अंडर एरियाज ऑफ आसाम गवर्नमेंट दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम इज़ बी इम्प्लीमेंटेड बाई एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ आसाम ये आज का फॉर्डर है कंटेंट बायोडावर्सिटी लॉस इम्पैक्टिंग ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स क्या रटते हैं ग्रेट निकोबार आईलैंड से रिलेटेड फैक्ट क्या रटने हैं जो मेंस पे में काम आ सकता है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड फैक्ट्स यार रखते हैं वो भी यहाँ दे दिया मैंने इस तरह के 200 से 300 कंटेंट भी हो गया और उसको आप अप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल करने लगे तो आपका मेंस में काम हो जाएगा कल जो प्रेम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते तो पहले का आंसर है सी और इसमें सरिस का तो पहला था नहीं बांदीपुर था दूसरा स्टेटमेंट गलत होते ही यू गेट द करेक्ट आंसर दैट इज़ वन एंड थ्री ओनली दैट्स ऑल फ्रॉम मार्ड सर फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग